हेलो डिवोटीज, तो कैसे हो आप सब। गाइज, आज से 2 साल पहले हम बात करते थे एआई की, लेकिन आज हम बात करते हैं कि एआई है हमारे पास। चैट जीपीटी जैसे कई सारे एआई जो है मार्केट में तहलका मचा रहे हैं, लेकिन पिछले 2 सालों में चीजें इतनी ज्यादा बदल गई हैं कि आज हमारे पास एआई है और हम उसको बहुत एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। डिफरेंट सेक्टर्स में एआई को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी जो है ना वो और भी ज्यादा ईजी होती जा रही है। डिमेरिट्स इसके होते होंगे, वो अपनी जगह, लेकिन हमें जो है इससे काफी सारा फायदा हो रहा है। इस वीडियो में आपको ऐसे 5 ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि आप ओपन एआई या फिर चैट जीपीटी आप कह लो, इसको यूज करके अपनी लाइफ को और ज्यादा आसान बना सकते हो। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि आपको इसी तरीके की वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। मैं बात करता हूँ चैट जीपीटी की। यहाँ पर तो चैट जीपीटी में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती है। मैंने कुछ ऐसी 5 चीजें इकट्ठी की हैं जो कि आपकी लाइफ को आसान बना सकती है। सबसे पहली चीज है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर आपको एसेज वगैरह लिखने होते हैं या फिर कोई भी कॉन्टेंट वगैरह लिखना होता है तो आप चैट जीपीटी को जाकर के सिंपली बोलो, एक कमांड दो उसको, वो आपको एक बड़ा बढ़िया सा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड कंटेंट रेडी करके दे देता है, चाहे कोई भी ऐसे हो, कुछ भी हो। नॉर्मली हम पहले क्या किया करते थे कि वेबसाइट पे आर्टिकल्स वगैरह या फिर गूगल पे जाकर के, विकिपीडिया पे जाकर के चीजें लेते थे, उसमें क्या होता था कॉन्टेंट सिमिलर हो जाता था हर बार। लेकिन एआई क्या करता है, हर बार अपनी लैंग्वेज में अपने साथ, मतलब एक दिमाग की तरह की वो अपने हिसाब से सारी चीजें कस्टमाइज करके देता है, तो ये बहुत एफिशिएंटली आपको यहाँ पर रिजल्ट एंड आउटपुट दे पाता है। चैट जीपीटी का यूज आप फास्टर रीड करने के लिए भी कर सकते हो। लाइक आपके पास बहुत लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स हैं 10-10-20 पेज के, लेकिन आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है जिसमें आपको चाहिए कि आपको पूरा का पूरा कवर करना है। आप क्या करो, अगर वो डॉक्यूमेंट डिजिटल फॉर्मेट में है तो उसके पूरे टेक्स्ट को, पूरे डॉक्यूमेंट को कॉपी करो, उसके बाद चैट जीपीटी में उसको पेस्ट कर दो और उसको बोलो कि समराइज करने को। कुछ टाइम लेगा वो और पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपको समराइज करके दे देगा, जिससे कि आपकी हेल्प हो जाएगी और आपको कम टाइम में ज्यादा कवरेज मिल जाएगी अपने टॉपिक के ऊपर। मैं बात करूं तीसरी चीज की जो कि आप चैट जीपीटी से जाकर के कर सकते हैं, वो है यहाँ पर ट्रांसलेशन। पहले क्या होता था, ट्रांसलेशन हम गूगल ट्रांसलेटर जैसे टूल्स को यूज करते थे ट्रांसलेशन के लिए, लैंग्वेजेस में स्विच करने के लिए। उसमें क्या होता था कि कई बार वो इफिशियंटली वर्क नहीं कर पाता। अभी क्या है कि चैट जीपीटी में 95+ लैंग्वेजेस जो है वो कवर करता है ओवर द ग्लोब, तो उसमें आप कोई भी लैंग्वेज उसमें स्विच कर सकते हो और कोई भी टेक्स्ट या फिर कोई भी डेटा आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो और इफिशियंटली काम करता है ये। वो गूगल वाले की तरह नहीं कि गूगल ट्रांसलेटर की तरह जैसा उसमें कुछ भी उल्टा सीधा ऊपर नीचे कर देता है लैंग्वेजेस में, इसमें आपको बहुत ही एक्यूरेट आउटपुट देखने को मिलता है। चौथे इसके हैक की बात बताऊं तो अगर आप ऑफिस वर्कर हैं तो आपको कुछ नहीं तो 4-5 मेल कम से कम डेली करने पड़ते हैं। यानी कि किसी को मेल टाइप करना है तो आपको अलग अलग बॉडी हर बार सोचनी पड़ती है। बॉडी कई बार लोग सेम यूज करते हैं तो ये होता है कि अरे सेम मेल था तो ये सेम सा फील हो जाता है, तो खुद को भी लगता है कि आप कुछ न्यू लिखें, कुछ एक्स्ट्रा लिखें या फिर कुछ क्रिएटिव लिखें, तो ऐसे में दिमाग कई बार आउट ऑफ आइडिया हो जाता है और आपको लग जाता है क्रिएटिव ब्लॉक। तो एआई का यूज करके आप काफी ज्यादा अट्रैक्टिव ईमेल्स लिख सकते हैं। आप उसमें डाल दो कि या भी इस सेंडर को ऐसा मेल भेजना है, टॉपिक डिफाइन कर दो, वो आपको एक मस्त स्ट्रक्चर्ड कंटेंट दे देगा और चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपने 2 बारी अगर मेल मांगा है उससे तो दोनों बारी आपको सेम डेटा नहीं देगा, वो हर बार अलग अलग देगा, क्योंकि एआई की मैथमेटिक्स वो यहाँ पर लगाता है और एल्गोरिदम के हिसाब से आपको हर बार अलग और डिफरेंट डेटा क्रिएट करके देता है। पांचवा है कि यहाँ पर आता है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप एआई का यूज करके अपनी स्टडी को और इफिशियंटली करना चाहते हैं, लाइक कोई एक बड़ा टॉपिक है, मेरे पास हिस्ट्री की बुक पढ़ी है, मैं 6th-7th-8th क्लास का स्टूडेंट हूँ, हिस्ट्री की बुक पढ़ी है, उसमें मेरे को पढ़ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो 10 पेज का चैप्टर पढ़ना मुझे भी कई बार बोरिंग लगता है, तो मैं क्या करूँगा, चैट जीपीटी खोलूंगा, उसके बाद उसमें डालूंगा समराइज फ्रेंच रिवॉल्यूशन और वो उसको एक पैराग्राफ में या यू कहूं कुछ वर्डों में उसको डिफाइन कर देगा और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो मेरे को क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर स्टडी के लिए भी चैट जीपीटी काफी सही तरीके से यहाँ पर काम करके दे देता है। और जैसा कि मैंने बात करी इफिशियंसी की, तो जो भी डेटा आपको ये देता है 85% एक्यूरेसी के साथ देता है। 15% वो ऊपर नीचे हो सकता है, बट स्टिल 85% एक बहुत अच्छा नंबर है अगर इन टर्म्स ऑफ एफिशियंसी हम देखते हैं। तो चैट जीपीटी एक मतलब काफी सही टूल हाथ में आ गया है। कई सारे लोगों को अभी नहीं पता है, लोग जो मार्केट में अपडेट रहते हैं या फिर टेक्नोलॉजी में अपडेट है उनको शायद इसके बारे में पता है, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी चैट जीपीटी या फिर ओपन एआई को यूज करना नहीं जानते या उन्हें नहीं पता किस काम आता है या क्या चीज है। तो जाओ एक बार ट्राई करके देखो, काफी मजेदार चीज है और काफी बवाल चीज है ये। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।